पाटनपुरा के अंदर जो जमीन अतिक्रमण को लेकर के नगर पालिका ने जो कार्रवाई करी है उसके खिलाफ जस्टिस मैडम को भी अभी रिपोर्ट से लेकर के आए और अभी एसडीओ को एक ज्ञापन दिया है। अगर इस ज्ञापन के आधार पर अगर कोई सख्त कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर आगे हम वोट डाल करने की सख्त रणनीति बनाएंगे। कारण ये है कि ये जो पीड़ित परिवार है राजा रजवाड़ों के जमाने से वहाँ पे जमीन को मेवाड़ सेटलमेंट के टाइम से वहाँ पे बसे हुए हैं और नगर पालिका को भी 1967 के आसपास से इनको नोटिस दे रहा है तब और उसके जो पास की जमीन किसी का मकान बना हुआ चेयरमैन है उनका जो मकान है वैध हो गया और पीड़ित परिवार का जो जमीन है वो अवैध हो गया। इस तरह से जो खेल हुआ आदिवासी समाज और पीड़ित शोषित समाज के साथ किया जा रहा है उसके लिए हम कते हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं करता है तब तक